की रिमेनिंग टॉपिक्स हम यहाँ से करेंगे। एस एम यूसुफ मोहम्मद अमीन इसके राइटर्स हैं। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर वन, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, एंड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकर्सिंग एंड नॉन रिकर्सिंग रिस्पेक्टिवली। ये सारा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आप लोगों को डिटेल से क्लियर कर दिया था। अब आज जो है इसके एग्जाम्स डिस्कस करेंगे हम, जो आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। अब दोबारा मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है। उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। इसलिए बेसिक जो एग्जाम्स हैं, जिसे हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एग्जाम और प्रॉपर्टीज सेम नेम है। अगर आप राइट साइड पे देखें जो प्रॉपर्टीज के नेम दिए गए हैं, वो प्रॉपर्टी ही लिखा गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन उसने जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एग्जाम्स ऊपर लिख दिया है। एग्जाम और प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी एग्जाम लिखा जाए या प्रॉपर्टी लिखा जाए। तो एग्जाम्स और प्रॉपर्टीज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम मीनिंग है इनका। सबसे फर्स्ट है एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। ये एडिशन के लिए भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकती हैं, जस्ट साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। दो रियल नंबर्स हमने चूज किए हैं आर में से, यानी कि रियल नंबर्स के सेट में से, उनकी एडिशन जो है वो भी रियल नंबर्स में से ही लाई करेगी। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई से भी दो नंबर्स लेंगे रियल नंबर्स में से, वो रियल नंबर्स रैशनल, इरेशनल या सिंपल नंबर्स होंगे, या रैशनल इरेशनल ले लें, किसी भी टाइप के नंबर्स ले लें, उनकी एडिशन कर लें, तो उनका रिजल्टेंट आंसर जो है वो रियल नंबर्स में से ही लाई करेगा। सेकेंड एग्जाम में टू रियल नंबर्स लेंगे हम ए एंड बी फ्रॉम आर। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी इंटू प्लस थ्री कर लें या थ्री प्लस टू कर लें, दोनों आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पे इसने ये कंडीशन नहीं की कि आपका जो आंसर, रिजल्टेंट आंसर जो है वो आर में से लाई करें, बिकॉज हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सॉल्व करके आए हैं, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, वो यही प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यही प्रॉपर्टी है कि दो रियल नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, उनको ऐड करें, आंसर रियल नंबर्स में आ जाता है। इसलिए आगे फर्दर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये आगे बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्टेंट आंसर जो है रियल नंबर में से आएगा। ऑब्वियसली रियल में से आएगा, क्योंकि पहले वाली हम यहाँ पर रियल नंबर्स के ही अकॉर्डिंग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट ए टू के बाद ए थ्री है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा थ्री एलिमेंट्स आते हैं, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। कोई से भी दो नंबर्स लें, उन्हें पहले ऐड करें, उसमें थर्ड वाला नंबर ऐड कर लें, या पहले वाले दो नंबर्स को ऐड करके उनमें सी ऐड कर लें, या तीनों को सेपरेट सेपरेट वन बाय वन ऐड करें, तो रिजल्टेंट में आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है ए फोर एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एग्जिस्टेंस मतलब मीन एग्जिस्ट कर रहा है, पाया जा रहा है। एडिटिव नंबर, ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है, कैसी आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, इस टाइप के नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह सेम मल्टीप्लिकेशन में वन होता है, वो एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। And A5 for each A belongs to R, there is an element minus A in R such that A plus minus A is equal to zero. ये additive inverse की identity है, कोई भी number उसके अंदर उसका inverse add कर दिया जाए तो resultant में answer जो है वो additive identity आता है, zero आएगा। zero additive identity होती है real numbers के according। उससे नेक्स्ट पे है हमारे पास, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगी, एग्जाम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम जो ऊपर हमने एडिशन के लिए किए हैं, उनके अंदर जो साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, और जो डिफरेंस हैं वो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन होती है हमारे पास, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए उस पर फैक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन नंबर की इनवर्स वन ओवर फॉर्म जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है किसी भी रियल नंबर के फॉर्म में। जैसे हम ए इनवर्स के साथ मैंशन करते हैं और इसे ए भी वन ओवर ए भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे अगर हम इसे इस कंडीशन में लिखेंगे ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू ए। अगर ये आपस में इक्वल लिखे जाएं जो मैंने हाईलाइट किए हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है। ये आप जो सेपरेट सेपरेट लिखे गए हैं इसे लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए लिखा गया है। लेफ्ट साइड से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट साइड से किसी एलिमेंट को दो मल्टीप्लीकेशन दो नंबर्स की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। और ये मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन दोनों की कंडीशन में आता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। देखें दो नंबर ऐड होकर एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन भी बोला जाता है। अभी से नेक्स्ट पे है हमारे पास द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज दो होती हैं, उससे आगे जो नीचे थ्योरम लिखा गया है बेसिकली सम टाइम सम बुक के अंदर ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ही कहलाती हैं, जो उसने यहाँ पे कर दिया। जी मैम एक लड़का कह रहा हूँ सामा सईद है नाम, वो कह रहा है मेरा रोल नंबर लौट नहीं हुआ तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं हो रही, वो कह रहा मैम से कह दे कि मुझे इन कर ले। मेरे पास इस वक्त वेटिंग लिस्ट के अंदर उसामा नहीं है, मोहम्मद उसामा जरूर है जो मीटिंग के अंदर नहीं है। मैम मुझसे कहो कि दोबारा साइन करें ज्वाइन करें। वैसे क्या ना सेकंड लिंक सेंड किया था उसको ज्वाइन करें। चलिए ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ वन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। If A, B belongs to R, कोई से भी दो रियल नंबर हम R में से लेंगे, कहता है exactly one of the following, जो नीचे तीन ये inequalities दी गई हैं, relation दिया गया है, इन तीनों में से कोई एक लाजमी इन दोनों नंबर्स के अंदर होगा। A greater होगा B से या A बराबर होगा B के या thirdly A less than होगा B के, तीनों में से कोई एक relation होगा। जैसे मैं रियल नंबर्स में से दो नंबर चूज करती हूँ 5 and 7, अब इन तीनों में से कौन सा रिलेशन उसमें से पाया जाता है। 5 less than 7, अगर ए को मैं 5 ले रही हूँ और बी को 7 ले रही हूँ तो 5 less than 7 मीन ए लेस देन बी वाला रिलेशन होगा। अब इसको हम लॉ ऑफ ट्राइकोटमी भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर है सॉरी सेकेंड ऑर्डर प्रॉपर्टी है हमारे पास, If A, B, C belongs to R and if A greater than B and B greater than C, then A greater than C. तीन नंबर हैं जैसे कि 3, 4, 5, हम तीन नंबर ले रहे हैं 3, 4, 5. 5 greater than 4 से 4 greater than 3 से तो obviously 5 greater than होगा 3 से भी। ठीक है, क्लियर हो गई है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी। कोई से भी तीन नंबर्स हैं तो उनके अंदर भी कहता है अगर रिलेशन होगा तो इस टाइप का रिलेशन होगा लाजमी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी। द रीडर इज प्रोबेबली फैमिलियर विद द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। जो नीचे कहता है थ्योरम दिया गया है, सम टाइम हम उसे भी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज ही कहलाती हैं, इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। थ्योरम है हमारे पास लेट ए बी सी डी बिलोंग टू आर, ये हमने प्रूफ नहीं करना, ये सम टाइम प्रॉपर्टीज ही कहलाती हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है, क्वेश्चंस में यूज होंगी, इसलिए इन्हें फर्दर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ, इन्हें थोड़े से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ताकि आगे इनक्वालिटीज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। लेट ए बी सी डी बिलोंग टू आर, सबसे फर्स्ट पे है If A greater than B, then A plus C greater than B plus C,
माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, आपके पास कोई नंबर है ए ग्रेटर देन बी, अब कोई सा भी नंबर सी लें उस दोनों साइड से इनक्वालिटी के अंदर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें, आपकी गिवन जो इनक्वालिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मीन वो ग्रेटर वाली है तो वो ग्रेटर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको इस फॉर्म में शो करती हूँ, फोर ग्रेटर देन थ्री, और मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पे लाइक मैं एट ले लेती हूँ, ठीक है, तो फोर ग्रेटर देन थ्री मेरे पास इनक्वालिटी है, फोर प्लस एट ग्रेटर देन थ्री प्लस एट, या माइनस भी कर लें तब भी इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा मेरे पास, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व ग्रेटर देन इलेवन। सिमिलरली मेरे पास यही अगर इनक्वालिटी है डिफरेंट भी कर लें तब भी फर्क नहीं आएगा, मैं यही नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, फोर माइनस एट ग्रेटर देन थ्री माइनस एट, रिजल्टेंट में आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस फोर एंड ग्रेटर देन माइनस फाइव, ठीक है। नंबर में कोई सा भी एलिमेंट आप चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास इन क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यही हमारे पास पास थ्योरम था कि कोई सा भी नंबर ए और बी है उनमें राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सेम नंबर को ऐड किया जाए तो ऐड करने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट सेकेंड है, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू, सॉरी ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, दो इन क्वालिटीज हैं, दोनों को राइट साइड को राइट साइड में ऐड करें लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करें तो कहता है आपके पास इन क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ग्रेटर वैल्यू को ग्रेटर में ऐड करेंगे वो मजीद ग्रेटर हो जाएगी, लेस वाली वैल्यू को लेस वाली में ऐड करेंगे तो आपके पास लेस ही रहेगी। नंबर थ्री, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन जीरो, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी, इन क्वालिटी है आपके पास सी ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव नंबर कोई सा भी है उसे आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों की एग्जांपल थर्ड और फोर्थ की इस फॉर्म में आपके पास शेयर करती हूँ, सेम इसी के अकॉर्डिंग करती हूँ, फोर ग्रेटर देन थ्री है, एट ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर लिए, बोथ साइड पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास आंसर क्या आएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 32 ग्रेटर देन 24, ठीक है। अभी भी आप चेक कर लें आपके पास इनक्वालिटी सेम एज इट इज ही आएगी, लेकिन कहता है अगर यही चीज मीन 4 ग्रेटर देन 3, मैं यही चीज लेती हूँ लेकिन जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो लेस देन है 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव साइन मांग लेगा, मैं यही माइनस 80 ले लेती हूँ, नेगेटिव साइन के साथ लेस देन 0, अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस 32 एंड दिस इज लेस देन माइनस 24, ठीक है। अगर आपके पास इनक्वालिटी ग्रेटर की है चाहे लेस की है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही इनक्वालिटी का साइन रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगी जो लेस है वो लेस रहेगी, लेकिन अगर आपके पास इनक्वालिटी ग्रेटर की है या लेस की है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनक्वालिटी जो है वो अपोजिट हो जाएगी, जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगी और लेस चीज़ जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। इसमें सेकेंड वाली भी आप क्लियर हो गई है कि अगर हमारे पास लेस देन सी है तो मल्टीप्लीकेशन से इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आगे फर्दर है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर जीरो से बड़ा है यानी कि दो तीन चार कोई सा भी नंबर ले लें उसका इन्वर्स लेंगे, वन ओवर टू वन ओवर थ्री कुछ भी अगर नंबर आ जाएगा तो वो भी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव नहीं होगा। सिमिलरली अगर नंबर लेस देन है जीरो से, यानी कि मैं सपोज करती हूँ माइनस थ्री लेस देन जीरो,
तो 1 ओवर माइनस 3 भी लेस देन 0 रहेगा क्योंकि वो नंबर नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट 6 पे है, इफ ए एंड बी हैव द सेम साइन एंड ए ग्रेटर देन बी एंड देन 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी, कोई सा भी नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, जब दोनों का इनवर्स लेंगे तो हमारे पास लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो नंबर हैं, 4 लेस ग्रेटर देन 3, मैं इसको इनवर्स लेती हूँ इनका, जो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी 1 ओवर 4, अब 1 ओवर 4 लेस देन 1 ओवर 3, ग्रेटर नंबर लेस हो जाएगा, लेस नंबर ग्रेटर हो जाएगा इनवर्स लेने से। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप इसका इनवर्स लेंगे, आप आंसर चेक करें, मेरे पास 0.4 का जो आंसर आता है वो तो यहाँ पर आता है 0.25, और 0.25 लेस देन 0.33333, ठीक है, ये फॉर्म लेस बन रही है। इसलिए कोई सा भी नंबर ए और बी किसी भी फॉर्म के नंबर दें लेकिन साइन उनके सेम हो, ग्रेटर है तो इनवर्स लेने से लेस हो जाएंगे, लेस नंबर है तो एक इनवर्स लेने से ग्रेटर हो जाएंगे। अब ए ग्रेटर देन बी कोई से भी दो नंबर्स हैं, नंबर 7 पे दोनों नंबर्स के अंदर हमेशा रियल नंबर्स में से लिए हुए नंबर्स के बिटवीन में जितने मर्जी क्लोजेस्ट नंबर्स आप ले लें उनके बिटवीन में एक नंबर लाजमी लाजमी लाई करता है, क्योंकि दो रियल नंबर्स के बिटवीन में इनफाइनाइट मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं, इसलिए कितना भी आप क्लोजेस्ट नंबर्स ले लेंगे तो बिटवीन में उनके लाजमी कहता आपको कोई ना कोई नंबर जरूर मिल जाएगा। लास्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए एंड बी ग्रेटर देन 0, देन बोथ ए एंड बी हैव द सेम साइन, अगर ए और बी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो ग्रेटर देन है 0 से, इट्स मीन कि दोनों का साइन सेम है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई से भी दो नंबर ले रही हूँ, 5 ग्रेटर देन 0, सेकेंड 6 ग्रेटर देन 0, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन रिजल्टेंट आंसर 30 ग्रेटर देन 0। सिमिलरली दोनों का साइन सेम लेती हूँ, यानी कि माइनस 5 लेस देन 0, माइनस 6 लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है आंसर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास 30 आएगा, 30 ग्रेटर देन 0 मीन ए और बी दोनों के साइन सेम होगा, तो रिजल्टेंट में आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। तहरीर जब मैं करवा रही होती हूँ बेटा, आप उसी वक्त बोल लिया करें। 7 वाले की क्या समझ नहीं आई? 7 वाले की एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ठीक है, 7 वाला दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोग पहले 8 वाला हम कर रहे हैं, 8 वाला कर लें, ठीक है। 8 वाले में भी लास्ट किया मैंने, इफ ए बी ग्रेटर देन 0 देन बोथ ए एंड बी हैव द सेम साइन, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर उनका रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन दोनों नंबर्स का साइन पॉजिटिव है तो बी ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव है तब भी ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो जाएगा तो आगे वाली कंडीशन शुरू हो जाती है। इफ ए एंड बी लेस देन 0 देन ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, अब ग्रेटर वाली कंडीशन तो क्लियर होगी कि नेगेटिव नंबर होंगे या पॉजिटिव होंगे तो आंसर ग्रेटर ही आएगा। अब इसमें सेकंड जो है कहता है दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आएगी किस कंडीशन में, ए और बी जो दो नंबर्स हैं उनका साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे मैं दोनों नंबर्स ले रही हूँ, 4 ग्रेटर देन 0 एंड -3 लेस देन 0, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आपके पास आंसर आ रहा है -12, और ये किससे लेस देन है 0 से। सिमिलरली अब मैं साइन चेंज कर देती हूँ, 4 का साइन नेगेटिव ले लेती हूँ और 3 का साइन जो है वो पॉजिटिव कर देती हूँ, 3 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से,
दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर फिर क्या आ जाएगा, -12, और ये लेस देन है 0 से। इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी का एक ही पर्पज था कि अगर आपके पास ए और बी के दोनों साइन सेम होंगे, अगर ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, तो दोनों के रिजल्टेंट में जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है तो रिजल्टेंट में जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो हमारे पास लेस देन होगा 0 का। अब 7 वाली जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए ग्रेटर देन बी, दो नंबर बताएं कोई से भी मुझे, रियल नंबर्स हो जल्दी से, कोई से भी दो नंबर बता दें। 4 और 2 4 ग्रेटर देन 2, 4 और 2 के बिटवीन में हमने नंबर बताना है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 + 4 = 6 जी, और इसकी डिवीजन कहता है आपके पास क्या आएगा, 6/2 3 आ गया, = 3। तो अब इसके सेंटर में आ गया 3, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 4 > 3 and 3 > 2। यस मैम, बस यहाँ पे बताने का मीन यही था 7 का, तो कोई से भी दो रियल नंबर ले रहे हैं उनके सेंटर में लाजमी एक नंबर लाई करेगा, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने नंबर लिए थे एक डिफरेंस के साथ, मैं बहुत क्लोजेस्ट नंबर लेना चाह रही हूँ, और मैं लेती हूँ 0.2 > 0.1, ठीक है। मैंने ये दो नंबर लिए, ये भी रियल नंबर है, दोनों ही रैशनल नहीं है, इनमें से एक इरैशनल ले लें तभी ये कंडीशन हो जाएगी। अब दोनों को ऐड करें, बाप मुझे ऐड करके आंसर बताएं, 0.2 + 0.3999, इसका आंसर आ रहा है 0.3999। इसको डिवाइड करें 2 पे, जल्दी से डिवाइड करके बताएं क्या आ रहा है। डिवाइड करके आई थिंक इसका आंसर आएगा 0.1995. यस मैम, 3 9 है, 3 9 9 के और 1 5 आएगा, ग्रेटर हो गया नंबर। हाँ जी, जितने मर्जी क्लोजेस्ट नंबर्स लेने दिया यार, लाजमी उसके दरमियान में कोई रैशनल या इरैशनल नंबर एग्जिस्ट जरूर कर रहा होगा। अब आगे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ये पहले भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कि जब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आता है तो उसे हम एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखते हैं। पॉजिटिव में तब लिखते हैं जब वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव में तब लिखते हैं जब वो लेस देन 0 होता है। और अगर ये किसी फंक्शन को पॉइंट पे डिफरेंट वो ब्रेक करें, इसे पीस वाइज फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि दो पॉइंट्स पे इसे ब्रेक किया जाता है, सॉरी एक पॉइंट पे फंक्शन को दो फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट पे है रियल लाइन, रियल लाइन भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ड्रा करना जिसके अंदर उसका ओरिजिन यानी कि ओ यानी कि 0 सेंटर में लेते हुए लेफ्ट एंड राइट साइड पे सेम मेजरमेंट के साथ पॉइंट्स लेना, वो हमारे पास रियल लाइन कहलाती है। लाइक यहाँ पे जो रियल लाइन यूज की है ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन के सेंटर पे 0 ओरिजिन सेम मेजरमेंट के साथ राइट साइड और लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स को क्रिएट करना हमारे पास ये लाइन कहलाता है। लाइन के ऊपर नंबर्स रियल नहीं है इसलिए हम इसे रियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे फर्दर जो है वो इनक्वालिटीज हैं, जो हमारा आज का मेन पॉइंट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बाद की इनक्वालिटीज को किस फॉर्म में हमने सॉल्व आउट करना है। इनक्वालिटीज इन कैलकुलस एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, इनक्वालिटीज इन वन वेरिएबल आर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड
कैलकुलस में और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इनइक्वालिटीज को जो सॉल्व किया जाता है वो सिंगल वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग किया जाता है. टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो टू इनइक्वालिटीज होंगी. एक सिंगल इनइक्वालिटी टू वेरिएबल के साथ सॉल्व कभी भी नहीं होती. जैसे एक सिंगल इक्वेशन के अंदर टू अननोन वेरिएबल आ जाए तो हम दोनों का आंसर फाइंड नहीं कर सकते. सिमिलरली इनइक्वालिटीज की भी यही कंडीशन है. इक्वेशन में और इनइक्वालिटीज में जो मेन डिफरेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन यूज हो तो वो इनइक्वालिटी हो जाती है. इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का सेम वही मीन है जो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन. अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. इनइक्वालिटी के अंदर वो वैल्यू ग्रेटर इक्वल लेस किसी भी फॉर्म में मूव करी होती है. इक्वेशन में वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है. सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हम इक्वेशन में यानी कि एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हम उसे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे. आप उसे सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर आज बेसिक में क्वाड्रेटिक नहीं करवाऊंगी, सिंपल बेसिक करवाऊंगी. एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर है, सॉल्व 3x + 5 < x - 7. एंड सेकेंड पॉइंट जो है यानी कि सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ही 5x + 6 > 5. सबसे पहले 1 वाले को सॉल्व करेंगे. 3x + 5 < x - 7 इट इज लीनियर इक्वालिटी बिकॉज अननोन वेरिएबल 5 = 1. सॉल्व करेंगे 3x + 5 < x - 7 को. वेरिएबल एक साइड पे लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पे लेंगे. 5 प्लस का और लेफ्ट पे राइट पे आके माइनस हो जाएगा. और x जो है वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा. सॉरी, राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा. सिंप्लीफिकेशन करेंगे आपके पास आ जाएगा x < -6. मीन हमारे पास यहाँ पे x = -6 नहीं है, पॉइंट नहीं है, वेरी कर रहा है. वेरी किस साइड पे कर रहा है, कहता है एक्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे छोटे हैं -6 से. अब -6 से छोटे कितने पॉइंट्स होंगे, -∞ तक जितने मर्जी पॉइंट्स होंगे, -∞ तक में जितने मर्जी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे -6 से छोटे ही हैं. तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे. -6 and -∞ दोनों साइड से ओपन है. ओपन यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है. और ओपन का मीन होता है कि हमारे पास ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इससे पीछे वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड है. ठीक है, मीन -6 इंक्लूड नहीं है. -5.99999 जितना मर्जी क्लोजेस्ट नंबर है वहां से हम इसको स्टार्ट करते हुए -∞ तक लेके जाएंगे. अब इसमें जो सेकंड है वो फर्स्ट राइट इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज बाय रिमूविंग द एब्सोल्यूट वैल्यू साइन. सेकेंड हमारे पास ये था, क्योंकि तो सबसे पहले हम इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर साइन रिमूव करेंगे. मॉडुलस का साइन रिमूव करेंगे. मॉडुलस अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मॉडुलस हमारी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कन्वर्ट करता है. प्लस में और माइनस में दोनों को सेपरेट कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के बाद इसको हम दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले प्लस वाली को सॉल्व किया. प्लस वाली को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5x + 6 > 5, मीन x > -1/5. सेकंड को सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन है. माइनस को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई किया. माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद -5x - 6 > 5, उससे नेक्स्ट पे 6 को उठा कर राइट साइड पर ले आएंगे, +6 हो जाएगा, 11 आ जाएगा. और उससे फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग चेक करें इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है. ये मेरे पास है -5x > 11 और 5x < -11. नेगेटिव साइन से जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर वाली लेस में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, नेगेटिव साइन से बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है और छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है. क्लियर हो गया? तो मैम ये इक्वालिटी की साइन क्यों है? जी मैम इक्वालिटी भी है बीच में, यानी लेस देन और इक्वल टू. बिल्कुल है, इक्वल का साइन ये इनइक्वालिटी ही कहलाती है. ये सम टाइम पॉइंट इस फॉर्म में पुट करेंगे कि आंसर इक्वल भी आ सकता है.
इसलिए लेस एंड इक्वल टू के साथ हम यूज कर रहे हैं। कहीं पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिया गया, मीन वो पॉइंट नहीं है जिसके अंदर ये इक्वल आएगा। ओके मैम, थैंक यू। फर्दर क्वेश्चन करवाऊंगी तो इसके अंदर आपको बस क्लियर हो जाएगा। मैम ये जो मॉडुलस वाला साइन है, अगर 5 के साथ हम लोग प्लस माइनस लगा दें फिर भी सॉल्व हो जाएगा ना? जब इनइक्वालिटी 5 के साथ, मेरी बात सुनिए, जब इनइक्वालिटीज के साथ लेते हैं तब प्लस और माइनस का साइन 5 के साथ नहीं आएगा, लेकिन जब इक्वल के साथ लेते हैं तब आप प्लस माइनस का साइन राइट साइड पे ले लो, लेफ्ट पे ले लो, इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, इक्वेशन में जब हम लेफ्ट साइड से राइट पे या राइट से लेफ्ट को माइनस को लेके जाते हैं तो वो ग्रेटर और इक्वल नहीं होती, एज इट इज रहती है। इनइक्वालिटी में ये फर्क आ जाता है कि बड़ी चीज छोटी और छोटी बड़ी हो जाती है माइनस के साइन मूव करने से। ठीक है, इसलिए जब हम इनइक्वालिटीज में लेते हैं तो जहाँ पे मॉडुलस दिया गया है वही प्लस माइनस लेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग जी, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है मैम? जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, अननोन वेरिएबल की पावर 1 होती है। ओके मैम, आप देखिए आपके x की पावर क्या है, 1। अननोन वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। एग्जांपल नंबर 4 में देखें, ये आपके पास लीनियर नहीं है क्योंकि अननोन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कहते हैं, वेरिएबल की पावर में मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोला जाता है कि वेरिएबल का नॉन वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास 1 आती है। होते इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड करवाने से पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूंगी।